खरगोन शहर में नगर पालिका की नई परिषद गठन के बाद भी वार्डों की समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसे क्षेत्रवासियों में पार्षद के खिलाफ रोष व्याप्त है। रविवार को वार्ड क्रमांक 2 स्थित गुलाब नगर वासियों ने मोहल्ले में बिजली, सड़क, पानी की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। पार्षद अरुणा उपाध्याय के पहुंचने पर लोगों ने उन्हें घेरते हुए नाराजगी दर्ज कराई। उनका कहना है कि बस्ती में उलझे हुए बिजली के तार के रूप में लोगों की मौत झूल रही है, जो एक बड़े हादसे को आमंत्रित कर रही है। अब तक 2 बकरियां इनकी चपेट में आ चुकी है। यहां एक ही पोल से सैकड़ों कनेक्शन बेतरतीब ढंग से लिए गए हैं, जिससे तारों का मंडल जाल बन गया है। तार भी इतना नीचे कि कोई बच्चा भी उसके संपर्क में आ सकता है। क्षेत्रवासियों ने पार्षद से मांग की है कि मोहल्ले की गलियों में सीसी रोड निर्माण के साथ नालियों की नियमित सफाई के साथ बिजली के झूलते तारों को सुव्यवस्थित किया जाए। पार्षद ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए नगरपालिका अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रही है, उनके साथ पार्टीगत भेदभाव कर रहे हैं। वार्ड में कोई सौंदर्यकरण का कार्य स्वीकृत नहीं किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। इनको क्या बुलवा ले बाप, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि आप पूरे मोहल्ले में तार देख लो, 2 बार तो बकरी मर चुकी है। मैडम को बोलो तो वो जातिवाद वाली बात करती है। आज 9 महीना होगा इस मोहल्ले में, इसने क्या कौन सा काम करवाया? गटर साफ करने वाले बुला तो फोन पे आने रही है। वो 8 रोज में एक बार गटर साफ होती है यहाँ पे। नाले का आप पंजीकरण देख लेना, आपको साफ करना पड़ता है, कीड़ा हमारे घर में आ रहा है। 8 रोज में एक बार गटर साफ करने की दरोगा कहता मेरे पास आदमी नहीं है, कि कहीं भी कार्रवाई कर दो। तो नल, रोड, नाली, बिजली के खंभे सब जगह हर वार्ड के अंदर हो रहा है काम, सिवाय गुलाब नगर को छोड़ के। हमारे यहाँ के पार्षद को भी बोलते हैं, जिम्मेदार हैं उनको भी बोलते हैं, बाकी किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं वो। साफ सफाई वगैरह तार भी आप लटके हैं, आपने भी देखा, नाली की साफ सफाई भी देखते हैं, नाली वाले भी साफ करने आते हैं, दरोगा को भी बोलते हैं, तो दरोगा कहता है भैया मेरे पास आज भी नहीं है। पार्षद को फोन लगाओ, पार्षद मोबाइल नहीं उठाती है। खंबा जो अभी आया है, लगवाया है, तो बीच रोड पे लगा दिया, जिससे आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है। वो नाली बहुत लटके हुए हैं, वो तार भी बहुत नीचे लटके हैं, जिसमें से कई बार दुर्घटना हो चुकी है, 2-1 बकरियां मर चुकी है। वो तार भी आप लोग देख सकते हैं कि अभी मेरे सिर के ऊपर है फिलहाल में। ये समस्या कई बार बता दी है, पिछले 9-10 महीने हो गए, बाकी अभी तक के समस्या का कोई क्या निराकरण नहीं। क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं कि भैया बिजली के खंभे आए तो व्यवस्थित बिजली के खंभे लग जाए, रोड नाली का जो काम है वो जल्दी से जल्द चालू हो जाए। हम मेरा नाम है हबीब खान, चाहती हूँ मैं वार्ड पार्षद अरुणा उपाध्याय, वार्ड क्रमांक 2 खरगोन। मेरे वार्ड में काफी समस्याएं हैं। मैं आए दिन नगर पालिका से जाकर रिक्वेस्ट भी करती हूँ, निवेदन भी करती हूँ, कई आवेदन देती हूँ, उसके बावजूद मेरे वार्ड में कभी विजिट ना किया जाता है। सौंदर्यकरण का लाखों रुपया आया हुआ है, उसके बावजूद मेरे वार्ड में 1 रुपए का सौंदर्यकरण नहीं किया गया है। यहाँ तक कि कई कई दिनों तक नालियां भी साफ नहीं की जाती है। मैंने कई बार स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को बोला है कि मेरे वार्ड में सौंदर्यकरण किया जाए और मेरे वार्ड की जो भी समस्या है वो देखी जाए सफाई के तहत, बट ऐसा नहीं होता है। वो कभी आते नहीं है, कभी पूछते नहीं है। मैंने कई आवेदन दिए, कई बार उन्हें अवगत भी करवाया है कि मेरे वार्ड में ये परेशानी है, वो परेशानी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लोग तवज्जो नहीं देते हैं। शायद मेरे साथ पार्टीवाद किया जा रहा है। मैं ऐसी क्यों, भलाई समाज की हूँ, इसलिए मेरे साथ जातिवाद भी किया जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे वार्ड का विकास हो। आज मेरी जनता सारी परेशान है, मुझसे सवाल पे सवाल कर रही है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। मैं मेरी जनता को यही कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं आगे जाती नहीं हूँ, आवेदन नहीं देती हूँ, लेकिन मुझे नगर मुख्य समस्या वार्ड की ये है कि सबसे पहले तो नालियों को ले लो,
पोलों के लिए कई बार मैंने कहा कि मेरे वार्ड में पोल लगवा दो, तार लटक रहे हैं, बच्चे उस पर झूल रहे हैं, कई बार शॉर्ट सर्किट भी हुआ है जिससे किसी की जान जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल सुनने की कोशिश नहीं की है। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, उसके बाद में अब जाके स्वीकृति हुई है। मेरे वार्ड के लोग बहुत परेशान है कि पोल लगाया जाए, लेकिन पोल उतने नहीं दिए गए हैं जितने मेरे वार्ड में आवश्यकता है। बहुत कम मात्रा में मुझे पोल दिए गए हैं, स्वीकृति बहुत कम हुई है जी। हाँ, तार भी बिल्कुल लटक रहे हैं। मैंने कई बार बोला है कि मेरे वार्ड में व्यवस्थित तार किए जाए, मेरे वार्ड में रोड नाली सड़कें सारी चीजें बनाई जाए, मेरे वार्ड की जनता को वो सारी चीजें मिलना चाहिए जो पूरे शहर को मिल रही है। नाम है आपका? अरुणा उपाध्याय, वार्ड क्रमांक 2। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।